इस उम्र में भी सब कुछ करने को तैयार वो तो कांग्रेस का भी प्रधान नहीं रहा बीजेपी की एक विचारधारा है मुसलमान तो 18-20 परसेंट के आसपास देश इसलिए कमजोर हुआ है देश में हिंदू कमजोर हुआ है जब मुसलमान आए तब तो, तो हिंदुओं का राज था यहाँ तो भी वो देश का दुश्मन तो रह सकता तो। आज बीजेपी वाले के नेहरू ने ये किया नेहरू ने वो किया सुनने की ताकत रखते थे बड़े नेता उस टाइम एक आदमी पूरा बुरा नहीं होता हां 24 की पंचायत में मेरी तरफ पांच आदमी हो गए थे मैं मोटरसाइकिल वो बिठा के पर्चा दाखिल करके आया था उसको लोग है साला भूखड़ है नंगड़ है उसके एक भी वोट ना पड़े मुझे आखिरी तक कॉन्फिडेंस मैं तीन राउंड तक हारता चला गया मैंने वो हिम्मत की पानी पिया मुंह धोया बहुत साल के बाद आज मिला तो पहले नमस्ते करवाण की <laughs> <laughs> कल को गाड़ी दे दो बस मत जाता था कि में हो मेरे उस टाइम खर्च हुए थे <laughs> उनको पांच हजार रूपए इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस कमेटी ने उन्नीस सौ बावन में दिए है तजर्बा नहीं था मैं एक हजार में लड़ लेता लोग मुझे पागल समझते हैं मैं लोगों को पागल मेरी पेंशन नहीं है टिकट नहीं मिले मन तो करता था दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं जिनका राजनीति से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है लेकिन राजनीति की चकाचौंध से वो कोसों दूर है वो चेहरा जो उन्नीस में महम से विधायक बना निर्दलीय किसी पार्टी के डंडे और झंडे के बिना वो चेहरा आज एक गुमनामी में खो गया है वो चेहरा जिसने महम की आवाज चंडीगढ़ विधानसभा में उठाई वो चेहरा आज राजनीतिक कार्यक्रमों में राजनीतिक मंचों पर नजर नहीं आता तो क्या है उसके पीछे की कहानी और क्यों हुआ ऐसा और दोबारा आज फिर 1972 के इलेक्शन के वो किस्से वो वो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हर एक चीज को वापस आज हम जीने की कोशिश करेंगे नमस्कार मेरा नाम है राहुल सिमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा की पंचायत आज मैं हूँ उमेद सिवाच जी के साथ जो उन्नीस में महम से निर्दलीय विधायक चुने गए सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं भी आपका यहाँ आने पर और मुझे इज्जत दे रहे हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी एक बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं चकाचौन से दूर चलेगा और बैकग्राउंड में चलेगा मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर हूँ ये ठीक है परंतु एक्टिव पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं दिमागी तौर से और एक्चुअल रूप में भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ आज भी मैं एक मेरी निश्चित पॉलिटिकल विचारधारा है और विचारधारा के लिए मैं इस उम्र में भी सब कुछ करने को तैयार हूँ दूसरी बात रही कि मैंने ठीक है कि एक बार इलेक्शन लड़ा है परंतु मैं सामाजिक लाइफ में लगातार एक्टिव रहा हूँ मैम की चौबीस ही का मैं बीसियों साल तक सेक्रेटरी चौधरी सूर सिंह प्रधान थे मैं सेक्रेटरी था और हमने सैकड़ों बड़े बड़े कत्ल से लेके ब्याह शादी के, के लेके सैकड़ों फैसले हमने लोगों में करवाए लड़ाई झगड़े के और के तो मैं एक्टिव रहा हूँ आज भी मैं थिंकिंग तौर पर और राजनीति में सक्रिय हूँ मैंने अभी अभी बुक मेरी आई तो नहीं है किसान आंदोलन के ऊपर मैंने किताब लिखी है आपने वो बुक लॉन्च कर दी है या नहीं वो की नहीं है वो मैंने प्रस्तावना लिखने के लिए आदरणीय सोमपाल शास्त्री जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं वाजपेयी गवर्नमेंट में जी और उनके साथ भी रहे वीपी सिंह के साथ भी काफी बड़े प्राइस कमीशन के भी चेयरमैन रहे वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के उनके पास प्रस्तावना लिख के उन्हें भेज रखे वो काफी बड़े विद्वान हैं मैं आज भी समझता हूँ इंडिया में किसानों में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के ऊपर उनका काफ़ी बड़ा कमांड है और वो अपने उनकी एक विचारधारा है तो वो दो शब्द लिख दें वो पीछे बीमार रहे कल परसों उनका टेलीफोन आया था उनकी मैं उसके बाद जल्दी मेरी सौ महीने के अंदर आ जाएगी सर पहली चीज तो जो आपने कही मैं उस चीज के लिए अगर आप आहत फील हुआ तो मैं ना ना ना, ना कोई नहीं जो आपने समझा जो जो अरे एक दृष्टिकोण है सर मेरा दृष्टिकोण सिर्फ इतना था कि जो राजनीतिक दौड़ है ना, जो फिलहाल के ना वो मैं मैं भी यही करने वाला थोड़ा सा मैं यही करने वाला था आप जो एक परसेप्शन बढ़ाया है की जो इलेक्शन लड़ता है वही पोलिटिशियन है जी, जी, गांधी वो तो कांग्रेस का भी, का भी प्रधान नहीं रहा मैं राजनीतिक मनोविज्ञान से हटके बात कर रहा <laughs> था की। मैं बिल्कुल <laughs> तो, <हूं>। <laughs> तो मैं राजनीतिक थिंकर भी हूँ राजनीतिक पार्टिसिपेंट भी हूँ आप भी मैं इलेक्शन किसी का हो तो किसी की किसी की मदद करता हूँ और खास विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ खास करके मैं गांधी और नेहरू आइडियोलॉजी से अपने आप को जुड़ा हुआ मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि दैट आइडियोलॉजी इज द बेस्ट आइडियोलॉजी टू एडवांस द कंट्री गांधी नेहरू जी की जो गांधी नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है इनक्लूसिव पॉलिटिक्स कहते हैं उसको क्या क्या, है? क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं क्या क्या ऐसे मुख्य चीजें हैं जो आपको उनमें उनकी आइडियोलॉजी में जो वो लगती है सबसे बड़ा मैं आज के दिन मानता हूँ अब दो चीजों की पॉलिटिक्स है बीजेपी की एक विचारधारा है कि हिंदू मजबूत होगा देश में तो देश मजबूत होगा एक दूसरी विचारधारा है जो अंबेडकर की विचारधारा है नेहरू की विचारधारा गांधी की विचारधारा इस देश में आप एक कोई खास किस्म की संस्कृति ना तो बना सकते ना बन सकती असंभव है इंक्लूसिव चलेगी इस देश में कम से कम भी बीस पच्चीस भाषाएं हैं रिकोगनाइज हैं बिना रिकोगनाइज तो सैकड़ों भाषाएं हैं हैं बोलियां है बोलियां भी भाषा के टाइप भी उस लेवल पर ना पहुंचे परंतु हैं घने धर्म जी इस देश में बौद्ध भी हैं इस देश में जैन भी हैं इस देश में ईसाई भी काफी संख्या में हैं सिख हैं मुसलमान तो अठारह बीस परसेंट के आसपास आप इन सबको एक्सक्लूड नहीं कर सकते देश की राजनीति को यदि आगे बढ़ाना इंक्लूसिव सबका सहयोग होगा बिल्कुल तो मैं ये मानता हूँ जो गांधी की थी कि सब जब जब तक ना मिलेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा अब जो सरकार के हाल जो है उसकी ये विचारधारा कि देश इसलिए कमजोर हुआ है देश में हिंदू कमजोर हुआ तो देश कमजोर हुआ देश गुलाम भी हिंदू कमजोर हुआ तो हुआ मैं ये मानता हूँ मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट हिस्ट्री हिस्ट्री आई मेडलिस्ट्रीट्री वॉजर्च को बाई चांस चुनाव लड़ लिया और वो रास्ता छोड़ के फिर हम वकालत में आ गए अब फिर पढ़ने लिखने में इतिहास भी पढ़ता हूँ मैं जाट इतिहास पर खास करके मैंने पहले काम करने की सोची थी भारत का हिस्ट्री का जो नेशनल स्ट्रगल रहा है इंडिपेंडेंस के लिए उसको मैंने गहनता से तो मैं ये मानता हूं कि सबका पार्टिसिपेशन होगा सेकुलर इंडिया होगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा हिंदू आप देश में देखेंगे जब मुसलमान आए तब तो हिंदुओं का राज था यहाँ क्यों आ रहे चौधरी so, चरण से एक बात कहते थे जो हिस्टोरिकली बहुत ट्रू है देश इसलिए नहीं आ रहा देश इस हिंदू कमजोर थे देश इसलिए आ रहा है कि देश में जाति पाति थी द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड कुछ आदमियों का एक ये अपने आप ठेका ले लिया कि हम हम ही लड़ेंगे सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने ही के कि लड़ने की जरूरत हम भगवान की प्रार्थना से इसको हरा देंगे मतलब ये जो ठेकेदारी है धर्म के ऊपर गोड के ऊपर और अपनी सब चीजों के ऊपर ये ठेकेदारी देश को कमजोर करती है जब तक लोएस्ट लेवल तक के गांव में पोसुूरते आदमी का भी ये नहीं होगा कि मेरी इस देश में हिस्सेदारी है जब तक देश मजबूत नहीं होगा आपने यहाँ दो सवाल खड़े किए हैं हां जी एक तो वो हिस्सेदारी कैसे महसूस करवाएं हाँ उस जी। आम आदमी को हाँ जी और एक जो आपने बोला ठेकेदारी हाँ जी ठेकेदारी अगर नहीं होगी लीडरशिप हाँ। अगर नहीं होगी तो फिर समाज को दिशा दिखाने की और कैसे काम किया जाएगा अब इसके लिए मैं दो उदाहरण देता हूँ अभी के उन्नीस की लड़ाई हुई उन्नीस सौ की लड़ाई हुई जी देश के छोटे से छोटे बच्चे से न भी। इतना उसमें जो नेशनल फंड था जी आ, हर एक आदमी ने दान दिया बिल्कुल हर एक आदमी ने कहा देश की रक्षा करनी है जी तो हिस्सेदारी यूं होगी जी जब सब आदमियों में सोचने का हिंदुस्तान मेरा है मेरी बीच में हिस्सेदारी है मेरी बीच में सुनवाई होती है आई है ये एहसास नहीं करवाया जाएगा आज अठारह परसेंट मुसलमान है अठारह परसेंट मुसलमान एलियनेट किया जा रहा है आपने तो शायद सात जगह परिवार नहीं देखा हमने सात जगह परिवार देखा है मेरा परिवार भी मैं था। उसका मेरा पिताजी जल्दी डेथ हो गई थी तो हमने देखा एक परिवार का आदमी भी है है संतुष्ट हो जाता है। परिवार चलना मुश्किल हो जाता है आप देश में यूं महसूस करो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी तीन सौ तीन एम पी है बीजेपी के इलेक्टेड पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान एम पी नहीं है वो कैसे ऐसेदारी महसूस करेंगे विधानसभाओं में एक भी टिकट नहीं देते वो कैसे ऐसेदारी महसूस करेंगे तो बीजेपी का जो गेम है आपके हिसाब से वो पावर वो एक्सोरेन्स वाला है कि मुस्लिम जो है वो मतलब डोमिनेंस का हमारी जो कल्चर है मेरी जो समझ है वही हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैं समझता हूँ थ्योरेटिकल और एक लिटरेरी बात आएगी अब तक जितनी किताबें बनी है कोई बुरा मान और मैं ये समझता हूं कि गीता वेद कुरान इन सब से ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट बुक जी मैंने पैतालीस साल वकालत की पांच साल से नहीं कर रहा छह साल से पहले हम भी को नहीं पूरा समझते थे अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान से है, आप प्रियम्बल को भी पढ़ो ना उसमें देश के लिए नहीं अपने परिवार को चलाने के लिए प्रियम में तीन शब्द है लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वेलिटी आप इन तीन शब्दों पर अपने जीवन को चलाओ राष्ट्र को चलाओ आप अपने परिवार में अपने सब बच्चों को लिबर्टी दोगे अपनी, अपनी माँ को सबको लिबर्टी दोगे फ्रेटर्निटी भाईचारे की बात रखोगे तो परिवार में भी शौर्द रहेगा और केवल अपनी विल चलाएं मैं सबसे पढ़िया लिखा मैं ये कहूँगा कि मेरी चलेगी ना लाइफ में कंप्रोमाइज भी है एक दूसरे को स्पेस देने की बात है आप यदि स्पेस नहीं दोगे मैं आपको स्पेस नहीं दूंगा तो आप मेरी बात क्यों मानोगे सर मैं आपकी इसी हाँ। बात पे आता हाँ जैसे हमारे समाज की हम बात करें तो बड़ों को देख के सीखते हैं ऐसी आप प्रजातंत्र की बात करो जो राजा है उसके जो काम होंगे उसको देख के जो है प्रजा को दिशा निर्देश मिलता है ठीक है सीखने को मिलता है ठीक है बहुत तो आपने जो हिस्सेदारी पारिवारिक हिस्सेदारी की बात की आपने कहा कि एक इंसान नहीं होनी चाहिए कि भाई वो की चले हर जगह या जो उसकी सोच हो उस हिसाब से सब कुछ हो क्या ऐसा सरकारों में नहीं होता था भजन सरकार बंसीलाल सरकार देवीलाल सरकार जो हरियाणा में रही है पहले आपके समय में जो सरकारें रही है क्या वो ऐसा नहीं करते थे देखो आदमी की टेंडेंसी है पावर लेने की और पावर लेने की ज्यादा से ज्यादा इंजॉय करने की परंतु जो ये है मैं कहता हूँ मेरे पांच सात साल पहले मुझे भी ये तीनों शब्द जो थे पढ़ लिए परंतु पर मनन करो ध्यान करो और उन पर फिर चलने की कोशिश करो स्वतंत्रता आंदोलन जो पीढ़ी उभरी थी उसमें एक लगातार संघर्ष से ये जो तीनों चीजें थी इनके गुण में पैदा हुए थे अब जो आए हैं ये डिग्रेडेशन है उस समय नहीं बीजेपी में नहीं, नहीं कांग्रेस में भी ये है सेंट्रलिज्म है सबकी सुनने की बात नहीं है जब तक ये ना होगी अब इंग्लैंड की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी मानता हूं मैं इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर भी थे वो हिंदुस्तान के एक बोलते थे जी, लेबर पार्टी ने बहुत दिन पहले कहना शुरू कर दिया था हिंदुस्तान को आज़ाद करो आज कोई आदमी पाकिस्तान के बोल दे कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए उसको दुश्मन नहीं समझ इतनी भी कह कहते दुश्मन नहीं समझना चाहिए तो भी वो देश का दुश्मन माना जाता है तो वहाँ डेमोक्रेसी थी विचार रखते थे मार्क्स दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट हुआ कम्युनिस्ट था अकाल मार्क्स वो जर्मनी से निकाल दिया था वॉज जर्मन वो इंग्लैंड में बैठ के वो लिखता रहा उसने अठारह में के इंडिया के ऊपर लेख लिखे हैं जी। उन लेखों का आप पढ़ो वो बिल्कुल इंग्रे, हिंदुस्तान का हकम है और अंग्रेजों के खिलाफ है सारा सतावन की लड़ाई का हकम इंग्लैंड में बैठा हुआ वो लिख रहा है और उसको इतनी स्वतंत्रता है कि वो लिखता रहे भाई इंग्लैंड के खिलाफ लिखता रहे। वो इंग्लैंड के खिलाफ लिख रहा है भारत के हकम लिख रहा है तो उनमें एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पैदा हुई क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी लड़के लिए उन्होंने हमने एडोप्ट की है लड़के नहीं ली बहुत आदमी कांग्रेस में भी पूरे डेमोक्रेट थोड़े ही आदमी थे नेहरू काफी हद तक डेमोक्रेट था पूरा तो नहीं कह सकता मैं परंतु डेमोक्रेट था हम ने तो नेहरू का राज भी देखा है हम तो कॉलेज में पढ़ते थे जब वो मेरा बी कर ली थी मैंने जी। नेहरू के खिलाफ उसमें खूब बोलते थे उसके कैबिनेट मीटिंग में पार्लियामेंट में बोलते थे नेहरू का जो दामाद था इंदिरा गांधी का हसबेंड वो लगातार नेहरू के खिलाफ बोलता था हालांकि कांग्रेस का एमपी था और उसने नेहरू के बहुत नजदीक के मंत्रियों को भी फायर किया टी टी कर्मचारी एक वो मंत्री होते थे फाइनेंस मिनिस्टर उसको फायर किया ये टू गो मुंदड़ा कांड था OTT कर्मचारी का कांड को ओपन किया उनको जाना पड़ा बहुत आदमी को जाना पड़ा तो उसकी भी कदर थी नेहरू का दाम आता नेहरू उसको टिकट भी देता था वो पार्लियामेंट का मेंबर भी बनता था एक महावीर त्यागी होते थे पश्चिम यूपी से जी। मिनिस्टर भी होते थे वो खिलाफ बोलता था नेहरू के तो सहन करते थे नेहरू की पहली जो कैबिनेट थी उसमें पांच सौ मिनिस्टर कांग्रेस के बाहर अम्बेडकर कांग्रेस से ही नहीं था नेहरू का विरोध भी, भी था परंतु गांधी ने कहा भाई इसको जरूर लो ये विद्वान आदमी एक बहुत बड़े तबके को रिप्रेजेंट करता है ये जो बीजेपी वालों का वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही मिनिस्टर।, मिनिस्टर आज बीजेपी वाले कहते हैं नेहरू ने ये किया नेहरू ने वो किया नेहरू ने क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी किया ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की तो बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है हाँ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके कश्मीर का समझौता हुआ है या कब समीर विलय किया जिन शर्तों पर टीटी मिनिस्टर उस टाइम न टीटी क्या आ, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पटेल मिनिस्टर था वो भी विरोध कर सकते थे आदमियों पटेल के पटेल सब की सहमति से हुआ है उस टाइम बाद में किसी को तो सुनने को की ताकत रखते थे बड़े नेता उस टाइम सुनने तो की थी हाँ सुनते थे विचार भी करते थे विचार सुनते थे सत्य को जानने के लिए महात्मा गांधी को गोपा सत्य ये नहीं है कि आप कह रहे हो मैं करें ये भी नहीं है ये करे वो भी हो सकती है आप करें वो भी हो सकते हो। होती आपकी बात भी कुछ सच्ची है, मेरी भी कुछ सच्ची है। एक आदमी पूरा बुरा नहीं होता कुछ सच्चा भी है कुछ ठीक भी है बिल्कुल हाँ। तो इसी में मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सुनने का सवाल हुआ तो किसकी बात सुनी आपने एमएलए का पर्चा दाखिल करने से पहले मेरी पॉलिटिकल रुचि थी आपकी खुद कोई ऐसा कोई कोई इंसान शख्स नहीं रहा आपकी जिंदगी में जिसने कहा कि भाई ना रहे जैसे आर्य समाज मत इंद्रवेश के साथ हम काम करते थे और पढ़ते हुए भी हम जैसे प्रोफेसर शेर सिंह से प्रभावित था आर्य समाज में मेरी रुचि थी तो मेरी रुचि कॉलेज में पढ़ते हुए होगी थी राजनीति में जी और इलेक्शन लड़ लिया ये फैसला कैसे लिया मतलब कि लड़ना है प्रचार अच्छा, पहले ही हाँ, थी अच्छा तैयारी कर रहा था मैं 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 सर वो तो अचानक नहीं आया अच्छा आप तैयारी कर रहे थे तैयारी कर रहे कितन, कितने दिन पहले तैयारी काफी दिन पहले से तकरीबन एक साल दो साल हाँ चौबीसी की पंचायत का कैंडिडेट था मैं जी पंचायत के लिए भी मैं कई महीने से अपनी लॉबिंग कर रहा था अच्छा जी हाँ। आपने तैयारी दो साल पहले से स्टार्ट कर दी थी हाँ। उस तैयारी में जरा मेरे को समझाइए कि उस दौर पर तैयारी कैसे होती थी क्या क्या तैयारी तो, ये होती थी उस टाइम तक महम की जो राजनीति थी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति नहीं थी जी पंचायत थी। की राजनीति थी, जी। तो पंचायत के जो चौधरी थे गाँव में मैं, मैं उनसे लाइजन बनाए हुए था जी। और कई साल से लाइजन बनाए हुए था कि ये ये संभव वहाँ एक सिलेक्शन कमेटी बनती है जी। तेरह आदमियों की जी। तो तेरह आदमी कौन कौन संभावित हो सकते हैं उसकी फ्रेम ये है 24 में पांच तपे हैं पांच दुणी दस और तीन महम के जाते हैं महम के उसमें शीशर रहता है एक शीशर का होता है कई बार वो महम वाले तीन अपने ले लेते हैं जी। तो दो सामान्य तपा उसे जाते हैं दो नंदाने से दो लाखन माजरे से दो बुड़म्बा से दो मोखला से जी। तो ये तेरह आदमियों की कमेटी जो बनती है उस कमेटी के कौन कौन संभावित मेंबर हो सकते हैं या जैसे मैं नंदाणा गया नंदाणे से कौन आदमी जाने चाहिए दस बीस आदमी से संपर्क किया बाईस आदमी को भेज देना ये मेरे एक मजा आएगा तो इस तरह की लोबिंग पंचायत में होती है उस दौरान आपने वो चीज की हाँ आपने सबको अपने पक्ष में करने हाँ सबको बहुमत किया चौबीस की पंचायत में मेरी तरफ आठ आदमी हो गए थे तेरह में से, में से। तो उन आठ आदमियों ने ये कहा कि इंडिपेंडेंट लड़ो या किसी पार्टी को ज्वाइन करो इंडिपेंडेंट ही लड़ते थे क्योंकि तो उस टाइम तक तो लोकदल जनता हाँ। पार्टी का प्रभाव आ चुका था ना तो ना तो ना लोकदल तो था तो ही नहीं उस टाइम ना जनता पार्टी जनता पार्टी बाद में आई जनता पा पार्टी सतर में आई लोकदल तो और लेट आया तो उस टाइम उस टाइम कांग्रेस थी और बस बीजेपी भी कमजोरी पार्टी थी कांग्रेस ही थी और कांग्रेस के विरोध में होते थे जीपीपी भी, भी नहीं भारतीय जनसंघ था उस टाइम हाँ वो इसके फोरनर थी ठीक बात, बात है पर्चा दाखिल करने शायद उस टाइम तक तो अपनी जो मैम की तहसील थी वो ना मैम नहीं गोआना थी गोआना में पर्चा दाखिल करके आया था उसके भी एक अजीब कहानी है जी फरमाना का एक सरपंच था रतन सिंह अभी डेथ हुई है उसकी जी

और जिस दिन निशान लेने का उस दिन एक जीप मैंने किराए अच्छा, <laughs> निशान क्या था निशान था मेरा घोड़ा घोड़ा तो मैम घोड़ा खूब दौड़ा उस इलेक्शन में हाँ मुकाबला आपको कांग्रेस के कैंडिडेट थे राज सिंह दलाल राज सिंह दलाल के साथ मुकाबला था सा। उनके साथ आपका मुकाबला मुकाबला हाँ करते कभी लगा कि बड़ा कैंडिडेट है कभी मुझे आखिरी तक कॉन्फिडेंस था लास्ट की तो मैं जीतूंगा थोड़ी ही देर आधा घंटा शेकअप को गिनती में चार राउंड की गिनती थी जी। तीन राउंड पूरे थे चौथे राउंड में कोई तीन एक हजार बोर्ड बसे थे मैं तीन राउंड तक आरता से लगा तीन राउंड आप हारे हारे अच्छा जी पहले पोस्टल वोटों की गिनती उसमें तो बिल्कुल ही थोड़ी आई पांच सात ही वोट आई फिर शुरू हुआ पहला दूसरा तीसरा तीनों मारता चलेगा उस टाइम ही हुआ कि चुनाव तो गया मैंने वहाँ हिम्मत की पानी पिया मुंह धोया और जो मेरे काउंटिंग एजेंट थे उनको कहा कि ध्यान से देखना आप अपना जीतेंगे क्योंकि जीतेंगे मैंने कहा देखो अपनी आएंगे सारी पहले वो पच्चीस पच्चीस के बंडल बनाते थे जी और पच्चीस पच्चीस के जैसे पहला सामान्य से बूथ शुरू होते थे जी सामान फिर शायद फरमाना फिर भेड़ी तो इन में, में मेरा जोर था तो वो बंडल ऊपर से खोली नीचे पड़ गए तो संदूक में नीचे पड़े थे जी। वो आगे उस बत्तीस में मैंने हजारे का गैप भी पूरा कर दिया जी। और जीत गए जी 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 तो उस इलेक्शन में कोई आधा घंटा मन में ये यार भी सकता है तो आखिरी का आधा घंटा जो था निराया हाँ जी छह सौ दस वोटो से जीते थे आप अच्छा उसके बाद जो इलेक्शन आप जीत जाते हो हाँ। तो बड़ा कैंडिडेट है उसको आप हरा देते हो हाँ जी। उसके बाद क्या होता है आपस में कोई पॉलिटिकल दुश्मनी स्टार्ट हो जाती थी उस टाइम पर दुश्मनी तो नहीं थी, थोड़ा मनमोटाव तो हो ही जाता है अच्छा आपसी मनमोटाओ हाँ। तो पोलिंग तो। के जब काउंट हो रही थी काउंटिंग थी उस समय दोनों वहीं पे थे आप वही थे तो कुछ हाथ मिलाना गले मिलना ऐसा कुछ वो चीज हुई है फिर वो भी सहन नहीं कर सके मेरी सुन मार को उसको भी तो राज सिंह को भी जस्ती नहीं थी कि मैं हारूंगा <laughs> <laughs> तो, तो कोई हाथ नहीं मिलाया कोई गले नहीं मिले बधाई नहीं दी किसी को, कोई बहुत साल के बाद हाथ मिलाया बहुत साल के बाद और वो राज सिंह की मैं बहुत ही टेक्टिकल है मानता हूँ कोई बीस पच्चीस साल के बाद अबाउट नाइन्टी के आस पास नाइनटी के आसपास वो एक दिन आए गाड़ी मेरे पैरों के पास रोक आगे और भाग के मैंने सोचा ये क्या करना चाहता है <laughs> और उसने आगे नमस्ते की नमस्ते जो साहब माँ जी नमस्ते मैं आपका बहुत आदर करता हूँ मैंने कहा जी मैं भी कभी गलत तो नहीं बोले आपके खिलाफ गलत तो नहीं बोले फिर मैं ये सोचता था छोटा भाई है नमस्ते करनी चाहिए और रात को मैंने अंदाज़ा लगा मैं इसी बात पर सोचता रहा कि छोटा भाई बौड़ा हो जाए तो बड़े कोई जिम्मेवारी नहीं आज मैंने सोचा कि कहीं मिलियो शाम तक ढूंढ ढूंढना है नमस्ते करके <laughs> और भगवान की दया मेरा तेल नहीं जलाया अब रोज तक मिलके नहीं मैं भी आता तो नहीं बहुत थे वो तो, तो, तो मैं हाँ हाँ तोमर कहा जी मेरी गलती होगी और आगे मैं पहले नमस्ते करूंगा तो पहले नमस्ते करवाने पर हुआ गया मुझे पसंद <laughs> तो उस दिन के बाद उनके साथ अच्छी संबंध रहे ये राज सिंह दलाल जी के तो ये किस्से भी मशहूर है कि वो एक बार मोखरा में जो नाली बनानी थी खेत में और उस टाइम वो सरकार में नहीं थे आपको कुछ याद हो तो ना मुझे बारे में? कुछ याद है ना मुझे याद नहीं कुछ देवीलाल चौधरी देवीलाल जी से जुड़ी हुई कुछ यादें देवलाल की तो बहुत ही साथ भी रहे विरोधी भी रहे तो साथ रहे जब कौन सी आपकी कुछ आप साझा करना चाहते देवलाल था जी देवलाल किससे विरोध भी इतना नहीं रखता था कि लड़ाई पहुंच जाए कल मिल ही ना उसके एक पब्लिक का आदमी था लोगों मिलने वाला आदमी था हम देवीलाल के जो साथ थे दफ्तरों में बैठे यूं भी भी समझता था लगा क्या कर रहा है भाई? वो आए से पार्लियामेंट ले। का इलेक्शन की बात है आपका दफ्तर में आ जाए प्रचार कर दे काम करता नहीं कौन है भाई यहाँ दफ्तर का इंचार्ज वो बुलाया कल से वो गाड़ी दे दो आज ही दे दो इसको और कल से आप हल्के में जाओगे मैंने कहा जी दो पैर तक तो मेरा का काम है। मैं से हूं। जा, जा, कोई बात नहीं गाड़ी अपने पास रखो। और भी आपको मिले, आप यहाँ दफ्तर मुताओ कहीं ना जाओ कोर्ट से फुर्सत मिलते चार बजे मिलो आप हल्के में जाओगे कब की बात है ये शायद क्या से पहले की बात है क्या क्या में पहला इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का जी 91 96 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ मतलब ਦੋ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਪਨ ਰਾ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 96 ਔਰ 98 ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋ ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 91 ਵੀ ਆ ਰਹੇ 96 ਵੀ ਆ ਰਹੇ 98 ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋ 89 ਦਾ वो नवासी का जीते हाँ, हाँ नवासी का जीते, से वी, वी जीते। का वो था रो रो से, से जीते थे वो। आ, तीन सीटों पे लड़े थे फिरोजपुर पंजाब से सीकर रो से रोहतक से हाँ फिरोजपुर से आ रहे थे सीकर से रोहतक से जीते थे रोहतक उन्होंने छोड़ दी उस टाइम वो प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह चंद्रशेखर का दौर था वो जी अच्छा तो ये आपकी कौन सी गाड़ी थी वो देवीलाल जी ने चौधरी देवीलाल जी ने आपको दी जो तब गाड़ी लगाते एग्जैक्टली याद नहीं कौन सी थी आपकी वो नहीं है अच्छा आप बुलेट पे जाते थे फिर चंडीगढ़ ना बस में जाता था बस में जो ये एमएलए की आरक्षित सीट होती है तो कभी बस वालों ने बैठ आप, आपको बैठा देखी नहीं कहा कि भाई आप आप तो हो ना 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 उस टाइम ये भी कमाल की बात आज कहते हैं कि उस टाइम चौधरी रणबीर सिंह बस में जाते थे चौधरी चांद राम इतने बड़े नेता थे जी। थे वो बस में जाते थे चौधरी जगराम इनके साथ में गए चंद्रावती के साथ बस में गये सभी बस में सारी असेंबली में को पांच चार कार होती थी इसके पास थी गाड़ियाँ बाबा शरिया नाथपुर थी जी शेड श्री कृष्णदासपुर थी जी हमारे जो थे रोहतक के रोहतक के ही थे एक शहर से मेले गुलाब सिंह जैन उसके पास थी तो बस एक आध थी ये सारे बिना गाड़ियों के आदमी जो रणबीर सिंह जो रजग्राम चौधरी चांदराम किसी सब बस में बिना गाड़ियाँ आदमी आपने

जब तो वहां सौ रुपए किला जमीन थाहर थी जी। रुद्रपुर में जी काफी बड़ा फार्म है तो उन्होंने मेहनत करके अपने साथियों को भी ले गए रणबीर सिंह में एक और विशेषता थी अपने जितने उनके साथी थे हल्के में जी। जैसे श्री शर्मा मेरे साथियों जैसे राजेंद्र है उन सबको रोहतक मिले है चाहे बाजू फड़ी गाल लो सब को रोहतक मिले रोहतक मिले सबके बच्चे पड़ गए एक बार रोहतक आप एक कोठड़ा भी चुन लोगे बच्चे पड़ जाएंगे आपके तो ये अपने साथियों को आगे बढ़ाने की बहुत विशेषता थी ये विशेषता आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने साथियों में मदद तो करता है बाकी वो घड़े पीछे में मदद करे <laughs> वो आगे बढ़ा राजनीतिक में कोई बात कही जाएगी कोई अलग अलग तो अलग तरह तो की राजनीति तरह की राजनीति आज राजनीति भी ऐसी है ਜੀ ਅਬਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੇ ਕਾਮਨਦਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ ਜੀ ਅਜ ਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਸੇ ਘੜਤੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 30000 ਰੁਪਏ ਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ 30000 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ 30000 ਰੁਪਏ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾੜੀ ਵਾੜੀ ਪੋਸਟਰ ਬੈਨਰ ਪੋਸਟਰ ਵੈਲਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਬਤਾਉ ਸੋ ਇਨਾ ਨੂਰਾ ਮੈਂ ਮੈਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨਾਨੂ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਤੇ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਆਦਮੀ ਥੇ ਉਹ ਜੀ उनको पांच हजार रूपए इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस कमेटी ने उन्नीस सौ बावन में, जी। वो दो बारे में ले रहे में भी दी जब पंजाब असेंबली पंजाब थी, थी। ज्वाइंट पंजाब जी। था जी। तो वो दो हजार रूपए कांग्रेस कमेटी में वापस जमा करवाए <laughs> और कल कर तीन हजारा जब सारी कॉन्स्टिटुएंसी में तो उन्होंने कहा इसने कैसे लड़ा कर लगा कि तजर्बा नहीं था मैं एक हजार में लड़ लेता वो ज्यादा गलत ढंग से भी खर्च हुए <laughs> तीन हजार में अच्छा वो कहते एक हजार में भी इलेक्शन लड़ लेता एक में भी लड़ लेता तजुर्बा नहीं था मुझे बहुत ईमानदार आदमी थे आज तो उनके एक और कहानी बताऊं जी वो हमारे कोर्ट में आ गए कोर्ट में हमारे तो जीत सिंह दैया होते थे अच्छे सीनियर आदमी थे रेस्पेक्टेड थे वो काले तो नहीं करते बैठने आते थे उन्होंने उसको बैठा लिया कहने लगा चलो साहब हम पोलिटिशियन को बैठाते नहीं फिर आपका बहुत आदर है इस जिले में आपको चाय पिला के भेजते हैं फिर कहने लगे आप अपने तजुर्बे सुनाओ कहने लगे क्या तजुर्बे सुनाऊँ लोग मुझे पागल समझते हैं मैं लोगों को पागल समझता <laughs>

तो इस तरह की पीठी थी जो कांग्रेस पार्टी से स्ट्रगल से निकल के याद आपकी पेंशन कितनी है वाले। मेरी पेंशन नहीं है मेरे खिलाफ इलेक्शन पटीशन हो गया था तो वो एक तो मैं एक्ट में एक क्लोज डाल जिनका इलेक्शन हो गया बीच में इलेक्शन पटीशन हो गया था राजसंघ ने किया क्या था। मामला था? मतलब क्यों कुछ भी मामला नहीं था वो सोनी होती है अच्छा उसके कारण वो की आप एक वोटर को मुफ्त में बिठा के ले गए पोलिंग बूथ तक दिशवास दी एलिकेशन इतनी छोटी सी बात इतनी छोटी बात पर ऐसा होता है आज भी होता है ऐसा कि ये इन चीजों छोटी-छोटी बातों पे इसरा उसमें कानून माती निकल जाए पूछ रहे जाए <laughs> तो ये किसने राज सिंह ने किया था पेटीशन अच्छा उन्होंने ही किया था बाद में का कि मैंने बड़ा पाप किया क्यों वो तो बढ़िया नहीं दोबारा <laughs> आप जैसे बड़े आदमी उठवा दिया मैंने

और बियासी में तो देवलाल आ गए सतासी तक तो वही रहे तक वो आ, फिर क्या मैं दंगी आ गया उसके बाद फिर चुटवाड़ा कार बाली आ गया बाली के टाइम भी मैं चुटवाड़ा की पार्टी का टिकट आरती था अच्छा आप हाँ उन्होंने दी नहीं मुझे क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था बलि अनपढ़ था <laughs> <laughs> ये ये बड़ा आप छोटी सी बात कह जाते हो और ते बड़ा प्यारा <laughs> ये मुझे टिकट इसलिए नहीं थी क्योंकि बारे में जो चीज़ है ये। एक और कॉन्फिडेंस भीतर का नहीं होता ना जो अनपढ़ आदमी होते हैं सो देवलाल भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे हालांकि पॉलिटिकली बहुत साउंड थे वो परंतु पढ़े लिखे आदमी थे वो भी कटते थे और चोटाला भी पढ़े लिखे आदमी से बैठे कहा कि ज्यादा होशियार जा होगा हमारी डाडी बनाएगा चोटाला शब्द कह रहे थे अच्छा, ओम प्रकाश चुटाला ओम प्रकाश अब एक राजनीति देखो चौधरी चो छोटू राम उन्नीस ले मतलब ले से लेके मतलब अट्ठाईस तीस से लेके उन्नीस तक पावर सैतीस में पावर में आ गए थे जी। उस टाइम में यूनिस्ट पार्टी के कौन कौन मेंबर थे आपको बताऊं ला ग्रेजुएट से कम कोई नहीं था ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਰਜ਼ਮਲ تھے ਆਸੀ ਜੇ ਐਮ ਐਲ ਮਲੇ ਖਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਗਰਜੂਏਟ ਜੀ ਮੇਵਾ ਚੇ ਗੁਰगांवਾ ਸੇ ਚੌਧਰੀ ਤਯੇਬੁਸੇਨ تھے ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਗਰਜੂਏਟ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਦੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਮਹੀ ਵਾਸ ਲਾਗਰਜੂਏਟ ਯਾ ਤੋ ਮਾਰੂ ਸਿੰਘ ਐ ਐਮ ਐਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਲੀਡਿੰਗ ਆਦਮੀ ਥੇ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਗਰਜੂਏਟ ਤੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਬ ਜਾਟੋਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ तो चौधरी टीकार ग्रेजुएट जो छोटराम तो के मरने के बाद मिनिस्टर बने और जिन्होंने सोनीपत का सी आर जेड कॉलेज उनकी उसे बनाया ग्रेजुएट आज देवीलाल के टाइम में कौन एम एल ए बने बाली मांगे नंबरदार वाला बुलवंत मायना तो ऐसे ऐसे कितने के हुआ है राजनीति का स्तर जो है गिरा है गिरा लगा ले तो कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें

पढ़े लिखे आदमी रघबीर सिंह का डॉक्टर सिंह डॉक्टरेट उपेंद्र पढ़ा लिखे आदमी है ही वैसे आप हरियाणा में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आप किसको मानते हो कि कौन सबसे अच्छा नेता है फिलहाल कांग्रेस में मैं दीपेंद्र उडा को काफी ठीक समझता आपको लगता है भविष्य में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना तो चांस की बात है परंतु ही इज अंडरस्टैंडिंग राजनीति को भी समझता है वो डेमोक्रेसी को भी समझता है। मैंने उसको बोलते है भी सुना है बातचीत में पोलाइट भी है, सोशल भी है हमारे बार में कई बार बोल के गया है वो बार में बार के ढंग से ही बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा पढ़ी लिखी हुई राजनीति पर बोलेगा अनपढ़ आदमियों में भी उसका भाषण सुना है उनको उस ढंग से भी बोलता है वो ठीक है मतलब जैसा देश वैसा आ, और साधारण से साधारण आदमी के साथ उसका व्यवहार ठीक लगता है मुझे अच्छा लड़का लगता है जी आइए तो सेम्पैथी भोर अब दीपेंद्र सिंह उड्डा का जिक्र उठ ही गया तो एक हाँ। सवाल हो रहा है मेरे मन में हाँ। दीपेंद्र सिंह उड्डा के जो परदादा चौधरी माथुराम चौधरी माथुराम उन्होंने आर्य समाज अपनाया था तो पूरा परिवार आर्य समाज ही रहा है हाँ। अब ये रिसेंटली ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੋਤਾ ਮਾਰਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਅਪਰੂਵ ਦੈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੈ ਆਰੀਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥਾ ਜੀ ਮਾਤੂ ਰਾਮ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥਾ ਔਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਅੱਛਾ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਸੇ ਚਲਦਾ ਹੈ

वो तो अपने आप को नास्तिक नहीं तो एग्नोस्टिक तो कहता ही नहीं कहीं ना कहीं समय की मांग नहीं होगी कि बीजेपी ने एक ऐसा जबरदस्त वो खड़ा कर दिया धर्म को लेके कि अपनी अंडरस्टैंडिंग की, की, की बात मैं ये समझता हूँ कि इनके पिच पर जाके खेलने से कांग्रेस ऊपर आएगी नहीं अपने पिच पर खेलेंगे तो आएगी अब तो गांधी था मैं गांधी को बहुत अभी गांधी की लुई फीचर की उसकी जीवनी लिखी है उससे पहले भी मैंने रामचंद्र गोवा की काफी मोटी किताब है गांधी दैट इन्फ्लुएंस द टाइम्स दो किताब वो इंडिया आफ्टर गांधी इंडिया बिफोर बे, इंडिपेंडेंस तो दोनों किताब मैंने पढ़ी है गांधी धार्मिक था कभी मंदिर में नहीं गया जी वो तो जोर से राम भक्त था कभी भी मंदिर में नहीं गया जी तो धर्म में इनका पिच पर खेलना राम के ऊपर जाके खेलना राम के सब भक्त है हमने तो अपने बाप को देखा है चार बजे जोड़ते थे बैलों को थपकी लगाता था ले राम का नाम जोटा लाया बड़ जागता था ले राम का नाम माँ बाप नहीं बैलों को भी कहता ले राम का नाम कभी सुबह बड़ा बुजुर्ग मिल गया राम 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 कभी मंदिर नहीं गया कभी हमारी दादी माँ मंदिर नहीं गई तो के वो राम भक्त नहीं थे तो अब कर कल मैंने जयराम रमेश का सुनाया कि हमारा नाम अलग उनका राम अलग है तो इस पिच पर खेल ले तो बढ़िया है कि अलग अलग राम हाँ हमारा राम जो बैल की पीठ पर था हमारा एक ड्राइवर का राम स्टेयरिंग पर है ड्राइवर ट्रक चलाता है हे भगवान हे राम हे राम तो हमारा राम मंदिर मनी है। मैं ये समझता हूँ वैसे भी धर्म के तौर पर भी सामाजिक तौर पर भी मंदिर जो है वो एक एडवांस में मंदिर आया है पहले मंदिर नहीं था आदमी शुरू से ही जब से सभ्य बनाया गोड का क्या रूप है कहीं कोई न कोई पावर है इस बात का आदमी के ऊपर असर रहा है परंतु मंदिर जब आया है तो एक किस्म का व्यवसाय हो गया एक वर्ग पैदा हुआ उसकी आवश्यकता हुई मंदिर लोगों के लूट का साधन है मंदिर में ये मानता जी ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट हाँ, है वैसे आपकी न मन ने कोई वोट लेनी नहीं मन ने किसी से <laughs> वो करना नहीं <laughs> ये भी बात नहीं को हाँ। और जब गांधी बिना मंदिर में जाए सारे देश का नेता हो सकता है तो बिना मंदिर में जाने वाला भी नेता हो सकता है आपको ये महसूस करवानी पड़ेगी कि मैं सीमार साहब का ए,

कि परमात्मा क्या कोई व्यक्ति है कोई शक्ति है या कोई किताब है उसने कहा कि परमात्मा में मानता हूँ सत्य का नाम ही परमात्मा है सत्य का नाम परमात्मा और सत्य की पूजा करना सत्य को एड करना सत्य के ऊपर चलना सत्य के लिए प्रयत्न करना आत्मा की उन्नति के लिए काम करना है देट इज माई गोड आज की पॉलिटिक्स और वो कहता वो फिर कहता कि जो मैंने गोड लिया जिसको मान रहे हो उससे नास्तिक भी इनकार नहीं करेंगे <laughs> जायज तो, बात है हाँ तो सत्य के ऊपर आप चलो प्रेम के ऊपर चलो तो वो गोड है उस इसे गोड में तो नुकसान भी क्या है आज की पॉलिटिक्स में कितना परसेंट बचा है ये चीज ये थॉट जो आपने बताया गांधी जी मैं जो रीडिंग करता हूँ दिस बॉय राहुल गांधी काफी मेहनत करता है समझने की चलने की जी मैंने उसके लेक्चर सुने काफी उस में जो पद यात्रा थी जी, वो शायद बुद्ध को भी उसने काफी पढ़ाया है गांधी को भी उसने है, इस ट्राइंग इस बेस्ट वो तो उसका अपना तरीका कैसे करेगा अब तक की पीढ़ी में ठीक आदमी कांग्रेस में मैं उसको ही मानता हूँ और तो दुकानदार है बीजेपी ने तो राहुल गांधी को पप्पू बना दिया है एक... बीजेपी का एजेंडा है राहुल राहुल पप्पू से तो आया निकल वो लीडर बनेगा कब बनेगा <laughs> वो, वो है टाइम की बात है। और लोग तो ये तो प्रचार करते हैं कि कांग्रेस इन्हीं की माँ बेटों की है मुझे ऐसा लगता है राहुल कांग्रेस में पकड़, है नहीं। नहीं है पकड़। नहीं है। पूरी नहीं मानते जो ये हैं। ठेकेदार है ठेकेदार हैं जो स्टेट्स के जी। अब जैसे मध्य प्रदेश में वो था कमलनाथ उसने नहीं मानी यू गहलोत जी ने भी नहीं मानी वो टिकट काटना चाहता था पचास साठ आदमियों की ये सबको दिलवा लेगा एक आदमी की राहुल और कट जाती तो शायद नहीं आती राहुल चाहता था, था। मध्य प्रदेश में अखिलेश के साथ समझौता हो जाए उसने नहीं किया दो चार सीट भी देते कुछ तो बढ़ती जी। एक वातावरण भी बढ़ता बिल्कुल इन्होंने भोपाल में रैली रखी इंडिया गठबंधन ने उसने यूनिलेटरली कैंसिल कर दी कमलनाथ ने तो राहुल नहीं रखवा पाया तो ऊपर से दिखता सब चलते है परंतु तो पॉलिटिकल पार्टीज में सारी चलती नहीं आदमी जो कांग्रेस ने रा, राम मंदिर जाने का जो न्योता है अभी अस्वीकार कर दिया था वो सही कदम था मुझे लगता है लेट किया शुरू लड़ जाते अच्छा नहीं। नहीं। वे, वे, वे <laughs> जैसे आपने कहा कि भाई आपके राम अलग हमारे गांधी वाले राम हाँ। अब कांग्रेस में एक वर्ग ले रहा है ये इस लाइन भी कब तक समझेंगे लोग इस चीज को कि मंदिर मस्जिद राजनीति राजनीति राज में देश का इतिहास बहुत लंबा होता है आप दो महीने तीन समझा दो ऐसा संभव नहीं है हो सकता पांच साल लग जाए इसी बार आ जाए मैं पॉजिटिव और आशावादी हूँ कि एक तबका आज है, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी हुआ है जो कॉमिनल हुआ है एक तबका ऐसा भी हुआ है जो इसके खिलाफ नहीं है राजनीति बकवास करें भी ऐसा तबका खड़े हुआ चारों शंकराचार्य नाराज हैं और शंकराचार्य है तो अपने वजह से नाराज उनका कोई सेकुलर उसके बेस पर नहीं है उनका अपने कारण है परंतु एक राजनीतिक तौर पर सेकुलर तौर पर स्टैंड लेना वो अलग बात है और मैं समझता हूँ किसान आंदोलन ने इस बीजेपी के कम्युनलिज्म को काफी हद तक तोड़ा है मैंने किसान आंदोलन पर जो थी एक किताब लिखी है जी। तो मतलब के एक कोई ब्राह्मण था हमारा मित्र है वो है तो किसान संबंधी परंतु वो ब्राह्मण भी है प्रोफेसर था कहने लगा क्या लाभ हुआ ऐसे मैंने कहा इस किसान आंदोलन के बहुत बाहर ही निकले बहस होती रही वो मान्य नहीं हमने छोड़ दी अब मैं उसे कहने लगा भाई ये जो नूह की घटना हुई है ये केवल किसान के आंदोलन ने रोक दिया नहीं तो मुजफ्फरनगर से भी बड़ा कांड होता जी नू की घटना में तो हिंदू ही मरे हैं बिल्कुल और योजना बना के मारे उनने बिल्कुल ये ठीक है कि उनका मारने का अपना रीजन था इनकी भी गलती थी इन्होंने उकसाया उनको वो यहां तक ले आए उनको जैसे जाट आंदोलन हकमल नहीं था परतु तो जाट आंदोलन में मैं जो हिंसा हुई उसको बीजेपी का प्रायोजित हिंसा मानता हूं बीजेपी ने करवाई बीजेपी ने करवाई नहीं बीजेपी बीजे को ने जाट यूथ को यहां तक पहुंचा दिया कि हिंसा से करे करें।, करें तो इसी तरह से उन्होंने तारे बटे हुआ रे, कोई माला गालने से रुक जाए कोई स्वागत करने से उस मोनू माने, माने सर उस मोने माने सर का ये वायरल करना जी तो इसके लिए एक बाजर कोम क्या करेंगे मैं मानू गया था मैंने वहां बार में एड्रेस किया जी मैंने ये कहा भाई तुमने हिंसा गलत की हालांकि कल लगे और क्या करते जी कोयों के मैं एक बाजर कोम करती है तो जवाब ना करे वो ये करे शायद हमारे जाट भी यही करते जी परंतु स्ट्रेटजिकली हमने तजर्बे जोशी क्या हमने गलत किया चार आंदोलन भुगत भोगी है हमारे बत्तीस लड़के मरे और हम आइसोलेट हुए हमारा राज उन्नीस में आ जाता उन्नीस का राज केवल सोलह के आंदोलन की वजह से रहा मैंने उनसे कितने लड़कों पर केस भी चल रहे हैं केस ले कैद हुई है भुगत रहे हैं। तो हिंसा और ये किसान आंदोलन गांधी इन ने से लड़ा तो जीत गए नहीं नहीं कुछ लोग जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दोषी मानते हैं जाट आंदोलन का कि उन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए इसलिए ज्यादा हिंसा हुई देखो हिंसा तो कई बार बस के नहीं रहते सामाजिक आंदोलन का उड़ाना तो पार्ट था ना हिस्सेदारी थी ना इसका चला आंदोलन तो इसका कोई कंट्रोल था नहीं उस पर अपने ढंग से चीजें ये जो मैं ये मानता हूँ यशपाल मलिक वगैरह जो नेता थे वो वीरेंद्र सिंह से इंस्ट्रक्शन लेके आते थे तो बीजेपी की गया गया वो एक मात्र नेता हो गया था यशपाल मलिक एक आपके उस टाइम पे पॉलिटिकल करियर में भूपेंद्र के परिवार में कम से कम भी कॉमनलिज्म नहीं है जो रणबीर सिंह में भी नहीं था जी और

मेरा आना जाना भी रोटी खाने भी दांगी की बहन की रिश्ता मैंने हमारे गाँव में भी आई है। जी। ये जो यूनिवर्सिटी में विकास है, जी। जो है वो दंगी का बढ़ता ही है तो इसका बाप मेरा मित्र था मैंने, मैंने यहां तक अच्छे समुद्र से बीच में रूप राम राठी के टाइम में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया तो उस टाइम मैंने एक बात कह दी इसने ला दिया तो मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं मैं मैं कंट्रोवर्सी आपको डालना भी नहीं चाहता <laughs> तो तो पूछना चाहता हूँ कि था क्या मामला सारा मामला अनफोर्चुनेट था सा। <laughs> <laughs> सात आठ आदमी मरे इलेक्शन आपने एक लड़ाई पर राजनीतिक तौर पे आप एकदम पक्के हो चुके हो <laughs> <laughs> बाकी मैम कांड में मेरी अकेला मैं आदमी था जी जो चौटाला का समर्थक था जी और वो मरने वालों के सबके घर गया जो चौटाला के समर्थक थे और मरने वालों में सब के कर गए मरने वाले और मरे तो कांग्रेस के आदमी ज्यादा थे जी उनके सब के कर गया एक जगह तो बोल के नेडाणा 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 में गए हम पांच सात आदमी थे तो वो कर लगे न्यू देखते रहे मैं भाई कहीं देखो हो बोले अब चुटाला कलर नहीं थे मगर था चुटाला कलर राजनीतिक तौर तो पर था हम भाई भी तो हैं अब किसी का मर जाए मर जाए, जाए दर्द हमें भी है बिल्कुल चुटाला चला जाएगा दांगी चला जाएगा हमारी रिश्तेदारी भी है हमारा भाईचारा भी है आप ना हमसे काम पड़ेगा हम दुख में शादी ना हो सके और मैं गया हूँ मां मुझे ये भी है कोई न कोई मंदी बात भी कह सकता है फिर भी है मैं। हम आया हूं मैं निंदाणा में गया में गया मैं आपने दांगी साहब पे आरोप तो नहीं लगाया था उस इंटरव्यू में आपने एक तीखी बात जरूर कह दी थी उनके खिलाफ सुनिया है मेरी सिर्फ करके आया हूँ तो वो लाना दिया दांगी ने <laughs> तो अब क्यों कंट्रोवर्सी बात गई आई हुई जायज बात है आपकी <clears throat> कभी आपको यूं फील नहीं होता कि यार एक मौका और ना मेरी कोई इच्छा नहीं ना हमारा बस की बिल्कुल इच्छा नहीं बिल्कुल बिल्कुल एक प्रतिशत भी नहीं मैंने कुछ लोगों से और बात की इससे पहले जिसमें जो पुराने होम मिनिस्टर हैं सुभाष बत्रा है वो भी शामिल हैं उनकी भी इच्छा अभी तक ये है कि एक मौका और एक बार और एक रहती है मुड़ते तक रहती है आदमी की <laughs> <laughs> मेरी ये इच्छा तो की कांग्रेस जीते हरियाणा में भी देश में भी परंतु मैं उसका पार्ट हूँ या सरकार बन जाए उल्टा की सरकार बन जाए मुझे कोई पद मिल जाए इस तरह की भी कोई इच्छा नहीं तो ये कांग्रेस जिताना चाहते हो आप जनता पार्टी में थे फिर आईएनएलडी में थे फिर अभी कांग्रेस का आपका परिस्थिति समय बदलता है आदमी की थिंकिंग भी बदलती है मैं भी गांधी से गृहना करता था आर्य समाज ही था मैं मैंने तो अपना जीवन आर्य समाज से शुरू किया आर्य समाज के प्रचार का भी पार्ट रहा मैं और सत्यार्थ प्रकाश तो मैं आर्य समाज ना रहा तो भी पढ़ता रहता हूँ कुछ आदमी कहते जैसे आप आप नास्तिक हो एक आदमी लगा आप नास्ति कैसे किसने बनाए मैंने कहा स्वामी ने बना दिया प्रकाश पढ़ते पढ़ते जो उसने दान ने डेफिनेशन दी है भगवान की तो मुझे लगा कि ये बस एक स्ट्रेटेजिकल बात है भगवान भगवान कोई है नहीं बिना भगवान भी काम चाल जी आदमी का तो आपको मैम के इलेक्शन का क्या लगता है कि कौन जीतेगा तो 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 तो। अभी तो कुछ नहीं कह सकते तो फिर आपकी बात वो हो जाएगी ना <laughs> ना, ना, जाएगी ना, ना तो दांगी मैं, मैं दंगी की मदद करूंगा जी। वो मेरे पास ना मांगना आएगा तो वोट मांगना तो खरायेगा ही परंतु ना आए तो भी मैं उसकी वोट दूंगा परंतु मुझे लगता है दांगी साहब की और मैं उसको एक बड़ा भाई के नसीद भी इस उम्र में बदल भी नहीं सकेगा और बदलना साधारण आदमी का बस की बार बदल भी तगड़ा आदमी सकता है दंगी बार किसी ने वोट नहीं दी जी उस आदमी के नमस्ते लेना भी पसंद नहीं करता ये गलत वो ये गलत है दांगी दो उसका समर्थक है उसका चाहे खोट है और दूसरा का खोटना है तो अपना वाला की मदद करेगा नहीं कहेगा तो भाई तेरी भी गलती निष्पक्ष नहीं निष्पक्ष तो होता भी नहीं राजनीति में परंतु कई बार दिखाने की कोशिश तो करें राजनीति में अपना आज मेरी वोट नहीं डाली जी कल का चुनाव हो सकता आपका है आप मेरी वोट डालना तो मेरी जगह है न रहे दूसरे कैंडिडेट ऐसे आ जाएंगे मैं से अच्छा हूँ बिल्कुल तो आपको मैं ये महसूस तो नहीं ना कल हम विरोधी थे आओ आज आपकी इज्जत है तो इस... के पीछे खेल खेलना नहीं मैं तीनों मैं में एज ए मैन दांगी को अच्छा मानता हूँ सारे खोट होने के बाद भी एज ए मैन एज ए पॉलिटिशियन एज ए मैन भी एज ए पॉलिटिशियन दोनों तो हाँ। दांगी में कोई शरीर का खोट नहीं है दांगी कांग्रेस पार्टी से इसलिए भी मानता हूँ शमशेर बहुत ओटी है दांगी से भी ज्यादा ओटी है जी शमशेर दांगी से भी ज्यादा भी निकटिव है और कुंडू के बारे में उसे पर्सनल नहीं परंतु उसके जो साथी कहते हैं, वो कहते हैं ये भी इतना ही अभिमानी है पॉलिटिक्स तो इसकी गलत है पॉलिटिक्स गलत कैसे मानते हो पहले तो मैं ये मानता हूँ कि इंडिपेंडेंट की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती जब देश एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी की कीमत ज्यादा है इंडिपेंडेंट की कोई वैल्यू नहीं कोई वैल्यू नहीं मान लीजिए फिर भी उन्होंने अच्छे काम किए फिर भी आप पॉलिटिक्स पोलिटिक्स पॉलिटिकल काम तो उसने एक भी नहीं किया ये बस चलाना और ये पॉलिटिकल नहीं है ये समाज सेवा का एम एल ए रहने तो न्यारा भी कर सके आदमी और एम एल ना रहता तो इसकी ज्यादा इज्जत होती अग भाई इसने लगा रखा है।, है, में में तो है, मतलब है अपने पॉलिटिकल काम में किसी को नौकरी दिलवाना ये पॉलिटिकल है थाने में तहसील में देश की राजनीति में बीजेपी वाला है पर्ची गिरी है इसने जब राज्य सभा जब भी चुनाव आए है राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी का कह वोट गेरी है फिर इस बीजेपी किसान आंदोलन का जब बिल था विधानसभा में उसमें भी बीजेपी के समर्थन में बीजेपी के समर्थन में किसान आंदोलन में एक बार आया फिर बीच में, या लंगर चला रखा था उठा ले गया बीच में हाँ यहाँ पे वो पिंक कलर का टेंट लगा हुआ था जो हाँ महिलाओं के लिए इस या खेडी साधी बीच में उठा ले गया जी तो कुल मिला के आप अच्छी राजनीति या वो नहीं मानते ना इनडीए में फिर भी एक तो तो कांग्रेस की तरफ जाओ या बीजेपी की तरफ जाओ तो जगह मुझे मैं में अगर आप बलराज दांगी को और मैं सतीश दास को उनको सबको अलग कर दो हाँ आपकी नजरों में इनके इतर कोई ऐसा कैंडिडेट है कोई गांव का सरपंच हो कोई पार्षद हो जो आपको लगता है कि ये जो है ये मैम का विधायक भी, भी बनेगा और एक दिन शायद मंत्री भी बन सकता है और बहुत अच्छा इंसान हम ना तो मैं टिकट देनी हम हमारी तो चौस यार है कि कोई पार्टी टिकट दे उसके ऊपर सिकेट दे <laughs> ना हमारा तो कोई पूछ के दे आप मेरे को राजनीति के बहुत अच्छे ज्ञाता लगे इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कोई आपकी नज़र में ऐसा आया हो <laughs> ना मैंने टिकट नहीं देना मेरी चल है

अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो खेल मंत्री बन सकती है तो। वो तो जाने और उनका क्या होगा अगर कांग्रेस में अगर साक्ष्य मंदिर तो तो कांग्रेस वाले जाने क्यों <laughs> <laughs> मतलब ये इग्नोरेंस जो है वो विधायकों की इस तरह हो जाती है पार्टियों में कि अब दो बार के होगी तो आएगा एक बार के होगा अब चार बार के हो होगी नया कैंडिडेट आया आपको रिप्लेस कर गया हाँ कर ही जाते हैं गांव में बूढ़े छोटे के शीन काट ले जा रहा जुआन छोटा छोटो सृष्टि का नियम है ये सृष्टि का नियम है हाँ। ये तो होगा हाँ जी हाँ <laughs> शमशेर जी भी अपनी धर्मपत्नी को चुनाव में उतार रहे हैं

ब्लूर हो जाएगा दो लेडीज आ जाएंगी तो जी अब तो लोग दांगी कान है वो दांगी कान है इस कान कुंडू कान वो कुंडू कान है बीजेपी कान बीजेपी कान है एक लाइन खींची हुई लाइन खींची हुई हाँ कोई नया कैंडिडेट है साक्षी से अलग भी कोई नया कैंडिडेट आता है तो कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा मुझे ऐसा लगता है दांगी हो सकता है बुरा मान जाए मेरी इस बात से और माना दुम मानना आपने तो अपने परंतु नए आदमी के प्रति रुचि बढ़ेगी लोगों की इच्छा है सारे हरियाणा में इच्छा है कि राज बदलना चाहिए राज बदलने के साथ साथ फिर वो अपना विधायक को भी अपनी नजर से देखना दस साल में तो वैसे भी एंटी इनकमसी आ जाती है सरकार इनका जो प्रभाव है ऊटा का प्रभाव है महिमा भी है उन दोइन का प्रभाव नए कैंडिडेट पर प्रभाव ज्यादा असरदार होगा पुराने पर कम होगा नए पे ज्यादा होगा नए पर ज्यादा होगा ये आपको नहीं लगता कि उड्डा साहब हैं उड्डा साहब के लिए भी गड़बड़ हो सकती है कांग्रेस में क्योंकि के भी यात्रा निकाल रहे हैं अपने अलग से शैल जा रणदीप और देखो यूं तो पार्टियों में इंटर पार्टी कंट्राडिक्शन होती है सबके एम भी होते हैं हर आदमी को राजनीति में हक हाँ है कि अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए प्रयोजन करे परंतु आज जो परिस्थिति है उसमें उड्डा को इग्नोर करना मुश्किल है मुश्किल है हाँ जी दबदबा जबरदस्त है कांग्रेस में अब मैं सिरसा में जाता रहता हूँ बेटा नौकरी करता है वहाँ जी सिरसा में उड्डा का कोई असर नहीं था से दो साल पहले जी अब सिरसा की रैली थी जी ना तो लोगों को पता था इतनी रैली होगी जी ना इन ऑर्गेनाइजर ने पता था जी इतनी बड़ी रैली हो गई इतनी बड़ी रैली हुई सभी उत्साहित हो तो गया है वहां के लोग भी करने लगे भाई ये अब रैलियां दिखाती हैं कि जोर कितना हाँ लोगों का रुझान दिखाने हाँ कास्ट से बाहर भी है लोग कहते हैं जाट जाट है जाट से बाहर भी मैं मानता हूँ का प्रभाव है

इंक्लिनेशन थोड़ा था एप्टीट्यूड थोड़ा था ब्यूरोक्रेट की ब्यूरो ब्यूरोक्रेट ज्यादा था परंतु उसको हरियाणा की समस्याओं की समझ थी एडमिटेशन पर पकड़ थी और विकास का भी उसका एक विजन था मुंशी की विशेषता थी सीधा आदमी भी था मुंशी के ऐसा सीधा बता है था एक बात तो मैंने आप देखिए वो कोई फंक्शन करके यार दूसरे फंक्शन में फेर जाना

बहुत ही सिंपल था यू कहते रेस्ट हाउस में जब जाता था कुर्ता पजामा टांग देता था रेस्ट हाउस की जो चादर है उसने उड़ के बैठे रहता में अच्छा हाँ। इसकी प्रेस ना जाए काफी सिंपल आदमी था निर्णय लेने में बहुत तेज था बहुत उसके टाइम में ले रहा बाद में भी उससे जो ठीक आदमी था जमीन से जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुआ था

बंसीलाल की टसंती थी, टसंती थी। भगवत दयाल ने चीफ मिनिस्टर बना था बनवाया था इसको बंसी जी को और फिर भगवत साल बुना था नहीं होगी पॉपट रहेगा परंतु तो वो इंडिपेंडेंटली एसर्ट करना शुरू कर दिया पहले दिन से ही भगवत दयाल का बिगड़ गई माड़ू सिंह के साथ भी बिगड़ गई माड़ू सिंह भगवत के साथ बीच में कई बार मिले इधर उधर जाते रहे पकड़ पकड़ के लाए मिनिस्टर बनवाया अटके ने एजुकेशन मिनिस्टर बनाए और गुरुकुलों का मारो सिंह नेता था इनका भैंसवाल कानपुर का, और का। जी। तो यहाँ जलसा किया तो जब तक राम एक्टिव था अड़सठ तक एम एल तो नहीं था तो उसको बोलने के लिए खड़ा हुआ उससे पहले सर आ रहे थे तो को, कि बड़ा एनर्जेटिक बड़ा पढ़ा लिखा है बड़ा जवान है बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशियट है फिर तो नानू राम खड़े सुन रहे बंसी नई बहू आए का बुराड़ी सब मुंह दिखाई गाते हैं या तेरी नई बहू की मुंह दिखाई है जो तेरी सराहना कर रहे तू वादसा है खराब है बढ़िया है सफल है तेरा पांच साल में बेरा पटेगा कभी इब फूक ले जा और इसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि नटों से बचना एक ये हमारा भाई है वो भी मलिक था, ये भी मलिक था माड़ू सिंह भी कठवाड़े थे एक ये हमारा सबसे कमजोर भाई है जी। ये एक टाइम में तीन को ला कर गया जी। ये जो नट है ये तेरे राज को खराब ना कर दे पांच साल तेरा राज चले <laughs> मतलब स्टेज पर है मुंशी को भी बंसी कह के संबोधन करे और माड़ू सिंह के जलसे में उसकी संस्थान और माड़ू को कट्टी क्रिटिसाइज करेगी ये कला कर गया थी बहुत ये कहावत भी आपके टाइम पे आई ना आया राम गया ना ये सड़सिट की बात है सड़सिट की बात है सड़सठ में आ, हम तो वहाँ पढ़ते थे रिसर्च स्कॉलर था मुझे छियासठ में, में तो हम बिल्कुल सारी घटनाओं के

मूलचंद जैन थे ये तेरह आदमी एकदम टूटे थे जी फिर इन्होंने कांग्रेस का राज था ऊपर भी इन्होंने तोड़ फोड़ जारी रखी जी। देवलाल चीफ मिनिस्टर बनया नहीं बनना चाहो वीरेंद्र बन गया देवलाल भी तोड़ फोड़ में हो लिया एम एल टूटने लगे तो फिर देखा कि देवलाल का तो नंबर नहीं पड़ रहा उल्टे ले आए कई आदमी कसूर नहीं है वो आराम गया आराम का लेबल लग गया जैसे चौधरी हिरानंद आरिये थे वो देवलाल भगत था जी जवान में एक भी कास्टिज्मी था जी देवलाल ने उसको तीन चार बार इधर से इधर किया कोई पैसे की लेन देन नहीं थी इसकी जी इस गयालाल था उदयवान का फादर जी उसको भी देवूलाल ने इधर उधर किया कोई पैसे नहीं। तो आया राम गया राम माही हिरांद पर उस गयााल पर है ज्यादा ये दो तीन बार जन्म में कोई दो तीन बार बदले अच्छा एक दिन में दो तीन बार बदले हाँ यूं लगे कि देवलाल चीफ मिनिस्टर बनाया तो वो कांग्रेस की तरफ गए <laughs> देवलाल, हाँ देवलाल, देवलाल ने किया ईरानंद हाँ, बहुत है। का तो मेरा कोई संपर्क नहीं संपर्क रहा मेरा मरते टाइम तक उस टाइम जब एमएलए की फेर बदल होती थी कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं था इतना बड़ा ना नहीं था नहीं था थोड़ा था था पर थोड़ा था थोड़ा था तो क्या तो ईरान तो बहुत अच्छा तो लैंडलॉर्ड था सौ किलो जमीन थी ईरान पर थी दो बागड़ की ऐसी जमीन परंतु तो ईरान ठीक था वकील भी था चार बार एम एल वहां से उस समय क्या था सर कि जो भर्तियों के लिए ये अदला बदली करवाने ट्रांसफर करवाना या फिर भर्ती करवाना इनके लिए पैसे लगते ना बिल्कुल नहीं थे बिल्कुल थी। थी। नहीं थे नौकरियों में तो बिल्कुल ही नहीं थे एक भी पैसा नहीं था इसमें कहते हैं ये सैलजा का जो महमां हम था जी चौधरी राम सिंह उसके बारे में सोचते हैं मर गया विजारा खाम का कम था सिफारिश ज्यादा थी सिपारश सिफारिश चलने लगी थी पैसा इतना इन्वॉल्व नहीं था पैसा नहीं था पैसा मैं मुझे चुटाला का टाइम भी नहीं था भूपेंद्र का टाइम लोग पैसे लेते थे मैं भूपेंद्र का समर्थक हूँ मेरे दो लिया मैंने कह दिया जी मेरा रिश्तेदार बीच में कोई पैसे खा गया वो अलग बात थी जी परंतु चीफ मिनिस्टर का परिवार में कोई पैसा लेता हो ना चुटाला मैं था ना भूपेंद्र का था विपक्ष के सुनी जाती थी विपक्ष में जो होता था उनके काम होते थे सुनते थे काम होते थे सुनते, सुनते थे आज के भजनलाल तो बहुत ही सुन लेता था अच्छा भजनलाल जी बहुत भजनलाल तो सारा इन्वेस्ट कर रहा था विपक्ष में भी करता था अब पता नहीं कद काम पड़ जाए थे।, <laughs> थे भाई कोई बात नहीं आ जा बहुत मीठा आदमी था अब भजनलाल जी के बड़े लंबे छोटे किस्से हैं वो भी तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी का प्लेयर था मैं इस लड़ाई लड़ाई में आप किसके साथ थे जो सिंह की लड़ाई हुई जी के साथ, 2000 में। मैं का उसका बनते पहले है, पहले है उसका समर्थक था मेरी अच्छी मित्रता थी परंतु देवलाल को चीफ मिनिस्टर गिरा के बनाया उस टाइम आम आदमी में किसानों में गलत कर उसके बाद मैं फिर भदन से मिलने ही नहीं गया कभी इमरजेंसी में मैं रोज उसके पास जाता था रोज हाँ मैं ला करता था एमएलए भी था वहीं रहता था चंडीगढ़ एमएलए फ्लैट्स में शायद उस टाइम तो इमरजेंसी में जो विरोधी थे उनका घर में चिड़िया भी नहीं जाती थी तो भदनलाल मेरा इतना मित्र था परंतु चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मैं कभी मिलने नहीं गया एक बार भी आप तो निर्दलीय थे आप किसके विरोधी होते आप तो ना फिर भी जैसे सतर चीफ मिनिस्टर में वो तो चीफ मिनिस्टर तो में मतलब मैं के पास नहीं मिनिस्टर बाद गया। उसके बाद आप तोड़ फोड़ के जेबलाल वो गलत रहा है आपको उस बात का वो हाँ आज का अगर कोई युवा पॉलिटिक्स में आना चाहता है सर तो कैसे वो चीज पॉसिबल कर सकता है मोहमुद्दीन तो रुपये चाहिए की हाजरी चाहिए की हाजरी जो अपने लीडर उनके पास हम्म आपको भी सुबह भूपेंद्र तक में आता है तो, तो यहाँ घूमने जाता है इसमें के संविधान स्थल में आप एक बार जाके देख के आवाज वाले वाड़े हाँ दंगी क्या है बसरा क्या है सब घूमते मिलेंगे हालांकि भूपी हमारा मित्र मैं तो मेरी एक तो गांधी परिवार में ऊपर संजय गांधी, गांधी, कोशिश भी नहीं की राहुल गांधी तो अभी इंपोर्टेंट हुआ है। अभी नहीं, राजीव आपके समय पर राजीव संजय उस टाइम तो कांग्रेस था ही नहीं कांग्रेस के आपके विचार कांग्रेस की विचारधारा मेरी बाद हाँ गांधी को नेहरू को पढ़िया है ना तो धीरे धीरे शिफ्ट किया है तो कोई पॉलिटिकल थिंकिंग भी आदमी की धीरे धीरे बदलती रहती बदलती रहती कोई भविष्यवाणी 2024 विधानसभा ना।, ना, <laughs> ना, मैं बहुत बड़ा विश्लेषक की जर्नलिस्ट वो करते रहे <laughs> ना पंडित नहीं सर आपको राजनीतिक ज्ञान है संपूर्ण ना तो मैं पढ़ता हूँ विश्लेषण करता हूं ज्ञान वाली बात आपको किसकी सरकार आएगी 24 में हरियाणा में मैं तो देश के लेवल पर भी ऑप्टिमिस्टिक हूं मोदी हारेगा मोदी हारे हां हालांकि हरियाणा टीगिर मेरी भी लड़ाई हो जाती है आ, या कहीं गलती नहीं आवे मोदी की विरोधी है पर विरोधी होणा का भी ऐसे चली है कलम यूपी गए हुए थे जी हमारे गोद के शिवाचों के गाँव वहाँ पंजाब से सिखों से बसे हुए जी तो दो आदमी मिले हमने दोनों इम्पोर्टेंट आदमी थे जी दोनों मोदी के खिलाफ जी मिले आएगा तो मोदी तो मोदी के खिलाफ और यूं कह रहे थे आएगा आएगा मोदी <laughs> तो आप किस वे में हो आप मैं ये कहता हूँ कि मोदी आएगा नहीं मोदी नहीं आएगा नहीं आएगा और आए भी तो हम ऑप्टिमिस्टिक है लड़ाई में नहीं, हो करना नहीं <laughs> और हरियाणा में क्योंकि जो खास करके एक वातावरण बने मोदी का हक में असेंबली इलेक्शन के बाद बनाया जी तीन स्टेट हार की परंतु तो तीन स्टेट का विश्लेषण करें बाईस एमपी जीतते कांग्रेस के जीरो थे यहाँ राजस्थान में जी अभी जो विधानसभा की यही वोट भी लगाए जी तो दस एम पी जीतते परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा है जो पार्लियामेंट की सीटों पर जो एमएलए की वोट आई है वो योगी तो एमपी पर पड़े तो दस सीटें जीतते हैं जी। कर उसमें जीतते हैं मध्य प्रदेश में सारी मिला के बाईस सीट जीतते हैं तेलंगाना मिला के अगर तीनों स्टेट की आप टोटल वोट मिला लो ना तो कांग्रेस के ज्यादा है नौ दो तेलंगाना में परसेंटेज ज्यादा इसलिए ज्यादा न मत कदा जितनी वोट आई है ना राजस्थान में वही वोट पार्लियामेंट में आप लगा जो पार्लियामेंट की सीटों पर तो दस या ग्यारह एम पी राजस्थान में जीत जी। राजस्थान में दस ग्यारह कांग्रेस अगर जीत जाती है तो खेल खराब करेगी खेल खराब ही कर देगी और हरियाणा में भी जीरो थोड़ा आएगा इस बार अब आप भी रोज विश्लेषण करते हो आप क्या क्या विश्लेषण है मेरा तो सर आप मैं तो मेरा काम है आपकी राय <laughs> <पता> <laughs> <laughs> तो जीतेगा मुझे ऐसा लगता है जी और भी कोई आपको लगती है हरियाणा में कांग्रेस की सीट निकल सकती है कांग्रेस तो तो का अच्छा बढ़ने लग रही है बात में भी अच्छा कंपटीशन रहेगा कांग्रेस का ऐसा तो जीत ही सकती है कांग्रेस ठीक है हाँ जेपी को नहीं पता किसको लड़ाएंगे मुझे परंतु तो एसार सीट कांग्रेस की अच्छी सीट है क्योंकि विजेंद्र की कोई बची नहीं जी इस बार है। और तो बाहुल्य सीट जी ये दुष्यंत जो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतिया छप्पन हजार से जीता था केवल उचाणा पार्लियामेंट के इलेक्शन नारायण में इतने जीत था ਮੂਝੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਰੋਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਦਿਪਿੰਦਰ 19000 ਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਰੋਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ 91 ਮੇਂ ਹਾਂ ਤਬ ਰੋਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ 40000 ਦੀ ਲੀਡ ਥੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਸੇ ਗਾਉਂ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਹਾਂ ਰੋਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਜਿਆਦਾ ਬੋ ਥੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਜੀ ਅਬ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਬੁੱਢਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आपका धन्यवाद आप लेने आए बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस आपका जो अनुभव है वो हमें ना? कुछ ना कुछ आगे सिखाएगा जिंदगी में कुछ न कुछ हमारे काम आएगा